हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं नालंदा जिले के सिरसी गांव में। हम इस गांव में जन की बात करने आए हैं, यहां की जनता से उनके मन की बात जानने के लिए आए हैं। हम जानेंगे चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके वोट को प्रभावित करने वाला है, किसे वो अपना अगला सांसद चुनना चाहते हैं और किसे देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिरसी के लोगों के साथ जन की बात, जानते हैं उनके मन की बात। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में सिरसी गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और मैं कहूंगा अपने कैमरामैन को कि एक नज़र गांव के इस लुक को दिखाए। बहुत बड़ा गांव है ये, हम पीछे से आए हैं इस गांव में और काफ़ी बड़ा गांव है। इस गांव की जनसंख्या करीब 3000 की है और यहां जो वोटर हैं उनकी संख्या है 1500, जैसा कि गांव वाले लोग बता रहे हैं। तो चलिए सिरसी की जनता से करते हैं जन की बात, जानते हैं उनके मन की बात। ये बताइए सर कि आप किस तरह देखते हैं मोदी जी के 5 साल के कामकाज को? हम तो संतुष्ट हैं उनके कामकाज से। ये बताइए आपके जो सांसद हैं उनके काम से संतुष्ट हैं कि नहीं? ना, इनके काम से संतुष्ट नहीं है। तो जब आपको वोट देना होगा तो वोट जो है आपका इससे प्रभावित होगा कि आप सांसद के कामकाज से खुश नहीं हैं? सांसद के मोदी जी के से प्रभावित होकर के इनको देंगे, हम एमपी तो बनाएंगे इन्हीं को। लेकिन इन्हें नहीं, मोदी जी की वजह से देंगे? हाँ, मोदी जी की वजह से देंगे या नीतीश जी की वजह से देंगे? सीढ़ी तो यही ना है नीतीश कुमार जी। ये बताइए कि जैसे अभी यहाँ मेरे आपके गांव में लोगों से बात हो रही है, वो लोग नाखुशी जाहिर कर रहे हैं सीएम के कामकाज से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना होता है, जितना सरकार विकास करती है, आदमी का महत्वाकांक्षा और बढ़ दिए, समझे ना, जो कमी रहती है वो लगता है कि वो भी पूरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं उससे आदमी ना खुश होता है। यदि वो भी पूरा हो जाए तो आदमी का महत्वाकांक्षा है और आगे बढ़ने की। अभी यहाँ कुछ यूथ हैं जो रोजगार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। रोजगार रोजगार तो मस्ट है। यंग लड़का है, ये लोग पढ़ाई कर रहा है और इसको रोजगार ना मिले तो थोड़ा इसमें आ जाएगा। ये बताइए सीएम नीतीश जी ने जो आरक्षण मिला है उच्च जाति के लोगों को, उसका समर्थन किया है ना? आरक्षण आप के तो विरोधी हैं हम। आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, हैं, इसमें मेरिट है तो इसको मिलनी चाहिए। जाओ, और जिसको मेरिट नहीं है आरक्षण दे करके उसको हम, तो डॉक्टर बनेगा तो क्या मारे ना, मरीज ना मारेगा, वो तो जिंदा छोड़ेगा नहीं। इंजीनियर बनेगा तो बिल्डिंग टूटेगा, वो आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, आरक्षण मेरिट पर होनी चाहिए। आरक्षण शब्द गलत है। आरक्षण जो है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आरक्षण है तो ऊंची जाति हो और जो लोग हैं दलित है और फिर उच्च जाति के लोग हैं, सभी का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? हाँ, आरक्षण के नहीं होना ही नहीं चाहिए, आरक्षण शब्द गलत है। ये बताइए कि बिहार में सुशासन है कि नहीं? सुशासन देखिए, पहले का जो समय हम लोग देख चुके हैं, वो जंगल राज जिसको कहते हैं, आज उससे तो बहुत बेहतर है। उस समय पता नहीं कितने साल से बिजली नहीं थी, समझे ना, इनके शासन काल में बिजली आई, सड़क बनी, बहुत सी सुविधाएं बढ़ी, कुछ बाकी है जो कि हम लोग के जरूरत है, जैसे पानी नल जल योजना, ये यहाँ नहीं, सिरसी की धरती पर नहीं आया, लेकिन और सर आया है। बताइए, एक विडम्बना वाली बात नहीं है कि इतना वो पड़ोसी हैं आपके, तो यहाँ तो सबसे पहले आनी चाहिए थी? आनी चाहिए थी, पता नहीं यहाँ के कुछ विलेज पॉलिटिक्स होती है अपनी, कुछ उसकी गड़बड़ी से भी ऐसा देरी होता है।
और संपर्क करना चाहिए। हम तो यहाँ न रहते हैं तो पूरा जानकारी नहीं है कि क्या क्या पोजीशन है, क्यों नहीं है ऐसा है, लेकिन अब योजने नहीं आया है। हाँ तो ये बताइए सर कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए बिहार की शिक्षा के बारे में जहाँ तक की बात है तो शिक्षा तो यहाँ का बेकार हो गया, ख़त्म हो गया है। प्राइमरी माध्यमिक ऐसा जितने हाई माने हाई स्कूल तक के उस वहाँ तक कोई शिक्षा यहाँ गांव में नहीं है। अच्छा क्या वजह है कि जो सब लोग हैं जो शिक्षा के बारे में हम जहाँ जाते हैं वहाँ शिकायत करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, और तो क्या वजह है कि सीएम पढ़े लिखे एक इंजीनियर सीएम है, उन्होंने शिक्षा की दुर्गति क्यों कर दी? एक इंजीनियर बनाने के लिए कंपटीशन होती है जी जी। हैं एक लेवल होता है, उसके बाद कंपटीशन कंप्लीट करके इंजीनियर बनता है। हैं उसमें क्वालिटी होता है, और एक शिक्षक को हम ऐसे ही किसी को उठा करके भर रहे हैं जगह, तो वो उसमें कोई क्वालिटी तो है नहीं। क्वालिटी नहीं है तो शिक्षा वो क्या देगा? तो उसी तरह का व्यवस्था ये गांव के स्कूलों में है। एक सर्टिफिकेट माने कहीं से सर्टिफिकेट उठा के ले आया जाओ उसको मिल गई, क्वालिटी तो है नहीं। आप ये मानेंगे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है? बिल्कुल कर दिया। हाँ एकदम फर्स्ट फाइव ईयर वर्किंग नीतीश कुमार दे वर्क वेरी गुड फॉर अस, बट after the 5 year they did not work even for even good for us or our villagers. Sir, if we talk about education, they did not do anything for education. They did not reform any law for constitution. They always talk about sharabbandi hai ki nahi? शराबबंदी तो खैर हम लोग पीते नहीं, तो पता नहीं कहाँ से, लेकिन लोग कहते हैं कि उपलब्ध हो जाता है, समझे ना, लेकिन तो उपलब्ध हो ही जाता है तो और दोगुना तिगुना दाम भर लेते हैं। फुल्ली कंडेम्ड है और शराबबंदी भी फुल्ली कंडेम्ड सर, लेकिन एक बात है कि शराब पी के गिरते हुए नहीं देखे हैं कि लंगड़ाल है पहले जैसा, तो लगता है कि थोड़ा सा मात्रा घट गया है। कहा जाता है कि शराब बंद होने की वजह से रेवेन्यू की जो है नुकसान है सरकार की, दूसरी ओर कि कुछ लोग जो हैं शराब को ऊंची कीमत में बेचकर बहुत मोटी रकम कमा रहे हैं, और कहते हैं कि उन लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो तो हम बता नहीं सकते हैं कि सरकारी संरक्षण में कम हो रहा है। बताइए आपका वोट किसके साथ? किसी किन्हीं के साथ नहीं है। वोट नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे, ना करेंगे तो नोटा करेंगे। ऐसा क्यों? मोदी जी के कार्य से हम लोग छूबते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने वो किया जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं किया, जो मैंने 5 सालों में किया। जिसे हम लोग को कहे कि दाम दुगना देंगे, मगर हम लोग को तो जो है 3000 मसूरी बिकता था जो 1000 रुपये हम लोग बेचे। आप किसान हैं? किसान हैं हम। तो ये है किसानों का दर्द, ऊपर बड़े बड़े विज्ञापन दिखा करके सरकार तो दावा करती है। देखिए खाद जो है हम लोग को 50 केजी का मिलता था उसी रेट में, और जो है 5 किलो का लॉस कर दिए, 45 किलो का मिल रहा है उसी रेट में। कई लोग किसान तो हमको ये बताए हैं कि दाम भी बढ़ गए। दाम भी कुछ बढ़ रहा है दाम, जिसे हम लोग को ये देखा जाए कि खाद बीज और दवा सबका कीमत बढ़ते जा रहा है, मगर किसान का गल्ला का रेट जो है घटते जा रहा है। ये बताएं कि आप सीएम नीतीश के कामकाज से खुश हैं कि नहीं? नहीं, कारण कि शिक्षा को एकदम नीचे गिरा दिए, जबकि रेलवे गिट्टी टारने वाले को जो है कि रिटर्न परीक्षा लिए, और जो है जो शिक्षा देने की बात हुई जो अनपढ़ मुखिया के द्वारा जो है बहाल किए, लालू जी जो है जो कि आपको 11 महीना के लिए 1500 रुपया में जो बहाल किए थे उसको 15000 में ही बहाली कर दिए, पेमेंट कर दिए, और जो ऐसा स्थिति है कि बच्चा लोग को 7वां 8वां क्लास वाला को नाम नहीं लिखने आता है, टीचर लोग भी औसा ही हैं, जिनको टीचरे लोग को नहीं आता है तो बच्चा लोग क्या करेगा? सुशासन है कि नहीं? सुशासन है, सुशासन क्या रहेगा?
ये बताइए कि अभी कई लोग बोले कि भले ही कुछ किया हो सीएम ने, लेकिन वोट तो हम सांसद कौशलेंद्र कुमार आज ये भी देखिए कि जिसे दारू बंद कर दिया गया, ठीक है दारू बंद हुआ, उसके जगह पर जिसे गरीब लोग जो है होम्योपैथिक दवा यूज करता था जो 10 रुपया में जो मिलता था आज 40 रुपया में मिल रहा है, इसमें किसका क्षति है? मतलब दोहरा मार झेलना पड़ रहा है, दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। जो दारू पीने वाले हैं जो है कि 10 रुपया में पीते थे आज जो है 100 रुपया में पी रहे हैं, 100 रुपया में नहीं होता है। जी 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 सर बताइए बताइए क्या बोल रहे सर। मतलब कि इस गांव का मेन मुद्दा तो जल है, इसके लिए हम भी डीएम साहब से बात किए थे, बोले थे कि काम जल्द हो जाएगा, फिर भी मतलब यहां तक मतलब एक साल के बाद तो सर अब बदली हो गए तो काम हो नहीं पाया। और यहां पर पूरे गांव में चापाकल की संख्या भी कम है और देखिए अगल बगल गाँव है, छोटा सा भी बस्ती है वहाँ मतलब कि हर घर नल का काम मतलब चालू हो है पूरा। आपके जो मुखिया हैं विधायक हैं वो नहीं आते हैं यहाँ, यहाँ तक प्रचार करने नहीं आए संसद साहब यहाँ। ये बड़ी विडम्बना है, लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, नेता वोट मांगने तक इस गांव में नहीं आए हैं, आप सोच सकते हैं। सर ये गांव गढ़ रहा है नीतीश कुमार का, ये गांव सब दिन गढ़ रहा है, सब दिन नीतीश कुमार को वोट दिए हैं सर, फिर भी इस साल कोई नेता यहां नहीं आया वोट मांगने के लिए, कोई कार्यकर्ता यहाँ। पीएम मोदी के मतलब हम काज घोषणा पत्र का 40% वादा भी पूरा नहीं हुआ, छात्रों को बर्बाद कर दिए हैं, उन्हें बोले कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे मात्र चुनाव अभी लोभ के लिए, 1 लाख वैकेंसी अब दिए हैं, 4 साल से सोए हुए थे। आना चाहिए कि नहीं मोदी जी को दोबारा? हमको अनुसार छात्र के हित में वोट नहीं होगा। मोदी जी को दोबारा पीएम बनना चाहिए कि नहीं? छात्र के हम बोल रहे हैं, छात्र के लिए, और सभी के हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन छात्र नहीं देगा वोट। एक यूथ कह रहा है कि अगर छात्र हित की बात करें तो मोदी जी को दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। अब हम सिरसी गांव के दूसरी छोर पर आ गए हैं और ये इस जगह का नाम है काली स्थान, यहाँ काली जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं सामने ये मंदिर है। और यहाँ भी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं उनके मन की बात, चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके वोट को प्रभावित कर रहा है। बताइए बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहो हमने का पानी पिया ला मिलबे नहीं करे, वो कल हो है कल भी नहीं है ना, तो ये बताइए ये तो सीएम के गांव का पास में ही है तो कल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये बनी क्या सरकार नहीं दे रहा है कि वीडियो नहीं दे रहा है कि अच्छी नहीं ब्लॉक नहीं दे रहा है कह नहीं दे रहा है तो हम लोग जनता नहीं समझेंगे बात। ये बताइए नीतीश बाबू आते हैं कि नहीं आपके गांव में? नीतीश जी जो सीएम साहब हैं वो आते हैं कि नहीं आपके गांव में? यहाँ नहीं आते हैं। नहीं आते हैं ना, कॉलोनी भी रहता है, वो अपने गांव तक ही रहते हैं। कितना दूर है उनका गांव? ये थोड़ी ही दूर है, करीब करीब कोसवर से भी, करीब करीब कोसवर। हाँ, इसके बावजूद नहीं आते हैं ना? ना, हालांकि पहले एक बार आइन थे तो स्टेज बनाया हुआ है तो उसी में कुछ खर्च दिए थे काली स्थान के लिए। हाँ, काली स्थान के, और उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं दिए ना कुछ नहीं। ये बताइए कि सीएम नीतीश जी के काम काज से आप खुश हैं कि नहीं? किन का से? सीएम नीतीश जी के काम से कम कर खुश रहा या कम न कर खुश रह भी देख के उनका खाली खुश रहे कि खुश रह भी कम पर सुशासन है कि नहीं है? सुशासन प्रशासन हाँ? प्रशासन है यह है तो है तो कहाँ कुछ कर रहा है कुछ नहीं तो इस जगह हम ही क्या बोलेंगे कोई जनता भी पूछिए शराब मिलता है आपके गांव में है शराब दारू शराब मिलता है ना बाकी चोरी से दुनिया भर के मिलता है चोरी से दुनिया भर हाँ बंद नहीं है ना ना बंद नहीं है ना ना ये बताइए वोट देना है अभी हाँ। तो किसको वोट करेंगे हमें हाँ? हम तो देंगे तो नीतीश से वाला पार्टी के नीतीश जी को देंगे हाँ पार्ट देंगे तो कह रहे हैं काम नहीं किए फिर वोट कहाँ दीजिएगा तो वोटवा देंगे क्या क्या देंगे क्या है जो अच्छा काम करे अच्छा काम करेगा कि ना करेगा कोई तो कर ही नहीं रहे ये कौन सी कारण थे कि हम नहीं करेंगे आपका वोट किसके साथ है हम तो नीतीश सिंह के देंगे वोट उनके पार्टी के क्यों कह रहे हैं आप उनके काम काज से खुश हैं खुश तो नहीं है मगर भीड़ के नेता
यहाँ राशन तक नहीं मिला। इधर इधर ऐसे करके इधर मुंह। हाँ नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा ना, राशन भी गायब है। न राशन है न कराशन है, चार साल से नहीं मिल रहा। नहीं तो आपने शिकायत नहीं की इसकी? कहाँ शिकायत करेंगे, किनके पास जाए शिकायत करें? BDO CM है आपके घर के? नहीं कर ना, वो सब नहीं सुनेगा कोई। हम लोग के घूस लेता है हरनौत ब्लॉक में, घूस लेता है जी। CM तो कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है हमारे राज्य में। हमने तो नीतीश बाबू से कई बार जाके मिले, पटना में भी एक सामुदायिक भवन के लिए। किसी गरीब का रहने का शरण नहीं है, 100 फीट दूरी तक नल नहीं है, पानी के लिए सब तड़प रहा है यहाँ का आदमी, फिर भी यहाँ से वोट मिलता है नीतीश बाबू के, लेकिन यहाँ का जनता कोई भी सुविधा में नहीं है। अभी वोट देना है तो देंगे ना वोट? हाँ वोट देंगे, लेकिन हमको विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। किसको वोट देंगे? नीतीश कुमार जी के देंगे। बोल रहे काम नहीं किए, फिर वोट क्यों किया? लेकिन उनको बात जाते रहे, काम नहीं हुआ तो वोट क्यों देंगे? फिर देंगे वोट उन्हीं को देंगे, मांगते हैं कि हम लोग के काम भी चाहिए। हाँ आप बताइए बाबा जी, आपका वोट किसके साथ? नीतीश के देंगे। नीतीश जी को ही दीजिएगा? क्यों, आप उनके काम काज से खुश हैं ना? हाँ काम तो खुश आई है, बाकी अभी पानी का नलका नहीं है, पानी तरस रहे हैं, आंगनबाड़ी में कुछ दे नहीं रहा है, बच्चा लोग को तड़प रहा है। ये बताइए बच्चे लोग के लिए पढ़ाई व्यवस्था है? पढ़ाई की कुछ नहीं है, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं आंगनबाड़ी से आओ। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपका वोट किसके साथ है? नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश जी के काम काज से खुश हैं? जी नहीं। फिर भी वोट देंगे? जी हाँ। क्यों? क्योंकि पहले जब नीतीश कुमार जी आए थे तब काम किए थे, अभी भी काम कर रहे हैं, मगर सिरसी में काम कुछ नहीं हुआ। सिरसी में आप काम कह रहे हैं कि एक तरफ नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वोट उन्हीं को देंगे, ऐसी बात क्यों है? जाति की वजह से? जी नहीं, जाति की वजह से नहीं है, जाति की वजह से नहीं है। हैं वोट पहले से नीतीश कुमार जी को देते आ रहे थे और अभी भी नीतीश कुमार जी के देंगे वोट। हैं चाहे यहाँ काम नहीं किया उन्होंने? जी नहीं। शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था तो यहाँ तो बहुत खराब है, बहुत खराब है जी हाँ। लेकिन वोट उन्हीं को? जी हाँ। आप बताइए। नहीं सर, हम लोग तो नीतीश के को देंगे, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि ये गांव के हैं, एरिया के हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तो ना होना चाहिए, गरीबी को सबको देखते हुए काम करना चाहिए। हम लोग आशे में हैं कि ये कब हमारा विकास हो, लेकिन फिर भी उन्हीं का वोट देंगे। तो ये कि विकास आपके यहाँ बिजली है, सड़क है, सब चीज़ें हैं, हाँ फिर क्या चाहिए? और जो हमारे जो गरीबी की जो राशन है, जैसे राशन किराशन, जैसे गरीबी रेखा के नीचे जो पदार्थ पर रहने वाले हैं, वो राशन किराशन मिलना चाहिए। और राशन गरीब को न मिल करके बड़के को मिलते हैं, वो लोग BPL में हैं, हम लोग मान कीजिए APL में हैं। हमारे साथ सिरसी गांव की कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी वोट आप देने जाइएगा तो आपका वोट किसके साथ? गांव में पानी नहीं है, जिसका देंगे, रहे की व्यवस्था नहीं है, जिसका देंगे, जो देगा जिसका देंगे। कौन? CM साहब, CM नीतीश जी काम किए नहीं यहाँ? काम कर रहे हैं, बाकी हम नहीं उतना था जानते हैं। नहीं जानते हैं ना। उनके काम काज से खुश नहीं हैं आप? खुश तो सभी है, तो हम ही है, सभी ने तो दीजिएगा। किसके किस पे जाएगा वोट आपका? किससे सब आप बताइए, बताइए आपका वोट किसके साथ है? हम तो कोई के वोट ना देवो, ना हमरा ना घर द्वार ले, ना रहे लगी, ना कुछ हो लगी, तो कोई ना पानी पी असल मारा ही पानी ना देता कोई। आप बताइए आप किसको दीजिए? क्या करे ना हम? अब जिनका सब देथिन जी हम देबे। सब तो बोल रहे हैं कि हम किसी को नहीं दें। सब सभी नहीं देथिन तो हमहु नहीं देंगे। आप बताइए। मेरा वोट तिरछाप पर। तिरछाप जी? तिरछाप पर आपका वोट क्यों? क्यों? नीतीश कुमार बहुत सुविधा दिए हैं, लेकिन आज तालुक ला हरनाथ ब्लॉक का सब बहुत घुसखोरी होता है, और जो जान पहचान है जिसको लाभ उठ रहा है, और जो गरीब महिलाओं हैं और जेंट्स हैं जो मजदूरी करते हैं उसको लाभ नहीं अभी तक मिला है। लेकिन कल्याण विघा हॉस्पिटल सब कुछ है, सब कुछ बना है, लेकिन यहाँ तो भाई हम सब का कुछ भी अभी नहीं मिला है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हमारा वोट तिरछाप पे
फिर आप कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ। विकास तो यही हुआ है, हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ गरीबों का नहीं फायदा हो रहा है। वो कह रहे हैं सरकार घर घर जाके नहीं देंगे, सरकार जो है। ये बताइए नीतीश जी के काम काज से खुश है ना? हाँ खुश तो है। ये बताइए शिक्षा की कैसी व्यवस्था आपके बच्चों के लिए? यही हम चाहते हैं कि मेरे स्कूल में खाना पीना मत मिले, लेकिन टीचर बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। और गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जो बड़े बड़े भाई लोग हैं उसका बच्चा तो पैसे के द्वारा अलग अलग जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा तो स्कूल में पढ़ेंगे सरकारी में, लेकिन वो स्कूल में टीचर चाहिए बढ़िया कि बच्चे कमजोर ना पढ़ाई में हो। ये बताइए कि अभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो स्कूल में टीचर हैं उनको बच्चों से भी कम आता है। बच्चों का में पढ़ाई नहीं मिलने के कारण बच्चों का हो रहा है, स्कूल भी नहीं है, मास्टर मास्टर क्या होता है जब। आप बताइए आपका वोट किसके साथ? वोट तीर्था पर। तीर्था पर। हाँ सीएम के काम काज से खुश हैं? हाँ नीतीश कुमार के नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे किसी को। हमारे गांव में टंकी है ये ना, पानी है ये ना, पानी भी आदमी मारा है, हमको इज्जत है। हमारे गांव में जो बड़ा ठहरने का लिए सुविधा भी नहीं है वो भी होना जरूरी है, और घर घर पानी चाहिए। तो सुना आपने, ये है सिरसी की जनता की आवाज़। यहाँ की जनता सीएम से नाराज तो है, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि या तो वोट नहीं देंगे, और अगर वोट डालेंगे तो सीएम नीतीश के पक्ष में ही डालेंगे। कैमरामैन नवनीत के साथ योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, सिरसी गांव, हरनौत, नालंदा। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।